हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ घर और किचन के कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। और ये यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। इनको देखने के बाद आपको ये कहना ही पड़ेगा कि काश हमें ये पहले पता होते। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी ये गैस के ऊपर हमें इस तरह से जार को क्यों रखना चाहिए। चलिए इस यूजफुल वीडियो को शुरू करते हैं। बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज एंड तक वॉच करें। वीडियो जरा से भी यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देख लेते हैं पहली यूजफुल टिप। तो फ्रेंड्स, पहली यूजफुल टिप है हमारी इस तरह की शहद को लेके। तो फ्रेंड्स, शहद खाने के फायदे तो हम सभी को पता ही है। अक्सर कुछ लोग किसी न किसी रूप में शहद को जरूर कंज्यूम करते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ इसी शहद का एक बहुत ही यूजफुल टिप। हम ले लेंगे एक बाउल और इसमें डालेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब शहद। तो फ्रेंड्स, अक्सर बहुत से लोगों के दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, जैसे स्वेलन की वजह से या फिर कैविटी लगने की वजह से, या बहुत बार मीठा, ठंडा या खट्टा खाने से हमारे दांतों में सेंसिटिविटी की दिक्कत होती है, जिससे कि हमारे दांतों में, मसूड़ों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। इस तरह के दांतों और मसूड़ों के पेन को ख़त्म करने के लिए हम बनाएंगे शहद से एक बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन। इस शहद में हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस सॉल्यूशन का यूज हम करेंगे अपने दांतों पर, मसूड़ों पर। हम इन दोनों ही चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून की हेल्प से। और अब इसको उंगली की हेल्प से हम अपने दांतों पर हल्के हाथों से मसाज करेंगे। बहुत ज्यादा रगड़कर नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, नमक जो होता है हमारे दांतों की क्लीनिंग बहुत अच्छे से करता है और हमारे दर्द को भी काफी हद तक ये खत्म करता है। अगर आप गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ली भी करोगे तो भी आपके दांतों का दर्द बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन अगर आपके मसूड़ों के बीच में कैविटी लग गई हो, कीड़ा लग गया हो, तो वहां पर भी आप इस पेस्ट से मसाज कर सकते हैं। इससे आपके दांतों में बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। फ्रेंड्स, वैसे तो नमक ही अपने आप में बहुत इफेक्टिव होता है मसाज के लिए, लेकिन अगर आप केवल नमक से अपने मसूड़ों में और दांतों में मसाज करेंगे तो इससे आपके मुंह का टेस्ट पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि नमक हमारे दांतों में और मुंह में बहुत तेज लगता है, जिससे कि हम उसको मुंह में बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह से शहद मिलाने के बाद आप इससे मसाज कर सकते हैं। इससे आपके दांतों में बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। आप चाहे तो कैविटी वाली जगह में एक लौंग को मुंह में दबाकर रख दीजिए, इससे भी आपको राहत मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरह के प्रेशर कुकर को लेके। तो फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर की क्लीनिंग तो हम अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन इसके ढक्कन और सीटी की क्लीनिंग हम अच्छे से नहीं कर पाते, जिससे कि प्रॉपर तरीके से हमारा प्रेशर कुकर सीटी नहीं दे पाता। तो चलिए इस प्रेशर कुकर को हम चेक करते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं, यानी कि अच्छे से इसकी क्लीनिंग हुई है या नहीं, ताकि हमें पता लग सके कि हमारा कुकर प्रॉपर तरीके से सीटी देगा या नहीं। तो ये देखिए, इस तरह से किसी भी बड़े बर्तन या भिगोने में हम पानी ले लेंगे और इस प्रेशर कुकर और ढक्कन और सीटी तीनों की क्लीनिंग हम करेंगे बहुत अच्छे से। तो ये देखिए, कुकर तो हमारा अच्छे से क्लीन ही है। तो अब हम चेक करते हैं अपने ढक्कन को। तो फ्रेंड्स, हम ये किस तरह से चेक करेंगे कि हमारा प्रेशर कुकर बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं, या इसमें कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम प्रेशर कुकर के जो ढक्कन है इसको उल्टा करके इसमें पानी फिल करेंगे और इस तरह से हम इसको देखेंगे। तो पहले हम नीचे की तरफ से इस ढक्कन के सीटी निकाल लेंगे। अगर आपका जो पानी है वो ड्रॉप ड्रॉप करके आ रहा है, इससे पता चलता है कि आपके ढक्कन की जो व्हिसल वाली साइड है वहां पर ब्लॉकेज है, यानी कि यहाँ पर आपको क्लीनिंग करने की जरूरत है, कि यहाँ से पानी एकदम फ्लोविंग करते हुए निकलना चाहिए, ना कि ड्रॉप ड्रॉप। तो इसकी क्लीनिंग हम करेंगे इस तरह की सेफ्टी पिन से। तो आप कोई भी पिन ले सकते हैं, सुई भी ले सकते हैं। तो सेफ्टी पिन मैंने यहाँ पर इसलिए ली है क्योंकि इजीली हमारे घर में हमको ये मिल जाती है। तो आप चाहे तो कोई लंबी वाली सुई भी ले सकते हैं। तो इस तरह से होल वाली जगह में हम डालकर इसको इस तरह से अंदर बाहर करेंगे, ताकि इसमें जितनी भी ब्लॉकेज है या जो भी कचरा या दाल के छिलके वगैरह इसमें अटके हुए हैं वो सारे ही निकल जाएंगे। तो इस साइड में जितने भी होल हैं सभी के अंदर हमें पिन इस तरह से डालनी है। आप देख सकते हैं मैं वीडियो में आपको किस तरह से दिखा रही हूँ। तो हमें साइडों में भी इस तरह से पिन को डालना है और ऊपर की तरफ से भी पिन को डालना है। सभी जगह से अच्छे से हम पिन को डालकर अंदर बाहर की तरफ पुश करेंगे। इससे इसमें जितनी भी अटकी हुई गंदगी होगी सारी रिमूव हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ढक्कन में फिर से पानी भर लिया है। अब आप देख सकते हैं कितनी धार से एकदम फ्लोविंग तरीके से पानी निकल रहा है, यानी कि जितनी भी ब्लॉकेज थी सारी ही निकल चुकी है। और अब हम सीटी की भी क्लीनिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो ब्लॉकेज होती है बहुत छोटी छोटी महीन होती है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सीटी का ऊपर का ढक्कन निकाला तो कितने इसमें छिलके अटके हुए थे, सभी अच्छे से निकल गए हैं। अब हम सीटी के होल के अंदर भी इस तरह से पिन से डालकर क्लीनिंग कर लेंगे। अंदर बाहर की तरफ हमें पुश करना है, तो इसके अंदर भी जितने भी अटके हुए छिलके, डस्ट, गंदगी होगी सभी निकल जाएगी। और अब हम इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने
प्रेशर कुकर के ढक्कन की सीटी की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपको नहीं पता चल रहा होगा लेकिन मैं आपको पानी में दिखाऊंगी कितने सारे डस्ट के पार्टिकल इस पानी में आए हैं, आप देख सकते हैं। जब हमने इसकी डीप क्लीनिंग करी है तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। अब आपके जो प्रेशर कुकर है वो प्रॉपर सीटी भी देगा और इससे आपके प्रेशर कुकर के फटने के चांस भी नहीं होते। अगर आप सीटी को ढक्कन को अच्छे से क्लीनिंग करेंगे तो आपका प्रेशर कुकर बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा और उसमें प्रॉपर सीटी आएगी। आई होप ये छोटी छोटी टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होंगी। इससे आप अपने गैस की भी बचत कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका प्रेशर कुकर प्रॉपर सीटी देगा तो आपको बहुत देर तक प्रेशर कुकर को गैस पर नहीं रखना पड़ेगा, आपके गैस और पैसे दोनों की बचत होगी। आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरह के डस्टबिन को लेके। तो फ्रेंड्स डस्टबिन में हम सभी पॉलीथीन बैग लगाते हैं ताकि हमारा डस्टबिन गंदा भी ना हो और क्लीन रहे, हाइजीन रहे, और जिससे कि हमारे घर में और डस्टबिन में गंदी स्मेल भी ना रहे। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे डस्टबिन से बहुत बार खोलने में बंद करने में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। स्पेशली समर में तो ये प्रॉब्लम हर किसी को फेस करनी होती है क्योंकि डस्टबिन हमारा किचन के अंदर ही होता है और किचन एरिया में डस्टबिन बार बार खोलने बंद करने पे स्मेल आती है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या करिए कि जब भी आप डस्टबिन में पॉलीथीन बैग लगाएंगे उससे पहले आप थोड़ा सा टैल्कम पाउडर इस डस्टबिन के ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। अब आप इसके ऊपर अपना पॉलीथीन बैग को लगा सकते हैं। जब भी आप इसे खोलेंगे बंद करेंगे तो आपके डस्टबिन में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, बल्कि उल्टा बहुत ही अच्छी फूलों वाली फ्रेग्रेंस आएगी। आप कोई भी खुशबूदार टेलकम पाउडर इसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल कर दीजिए तो अब आप पॉलीथीन बैग को लगा सकते हैं। आप चाहें तो इस पॉलीथीन बैग के साइडों में भी थोड़ा सा इस तरह से पाउडर को छिड़क दीजिए। इस बैग के साइड की किनारियों में भी हमें इस पाउडर को हल्का हल्का स्प्रिंकल करना है। अब आप बीच में कितना भी डस्ट डालें या फिर कोई भी जूठा बचा हुआ खाना डालेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल आपके डस्टबिन में नहीं आएगी। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरह के लेमन को लेके। तो अगर फ्रेंड्स हम फ्रेश लेमन लेके आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जूस निकलता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लेमन हम बहुत बाद में यूज़ करते हैं जो कि थोड़ा फ्रिज में रखने के बाद भी सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो उनको हम इस तरह से फिर से सॉफ्ट और जूसी बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हम गैस पर थोड़ा सा पानी को गर्म कर लेंगे। तो हमें हल्का गर्म पानी करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और जब पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें जो हमारा ड्राई हुआ नींबू है या जो सूख गया है उसको थोड़ी देर के लिए हम गर्म पानी में डाल देंगे। हमें इसको पकाना नहीं है, बस गर्म पानी में एक मिनट तक इसी तरह से पड़े रहने देना है और कंटिन्यू हमें इस पानी को इस तरह से हिलाना है ताकि नींबू सभी जगह से सॉफ्ट हो जाए। तो इसका छिलका इस तरीके से सॉफ्ट हो जाता है। तो एक मिनट तक जब हम इसे गर्म पानी में छोड़ लेते हैं तो गर्म पानी से निकालने के बाद हाथों से इसको इस तरह से रब कर लीजिए। तो ये देखिए, हम चाहे तो दोनों हाथों के बीच में रखकर भी इसको अच्छे से रब कर सकते हैं। इससे इसका छिलका बहुत ही नरम पड़ जाता है और जितना भी इसके अंदर नींबू का रस है जो कि थोड़ा सा सूखने की वजह से सख्त हो जाता है तो वो भी एकदम नमी आने के कारण सॉफ्ट हो जाता है और ये एकदम रसीला बन जाता है। तो चलिए अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना ज़्यादा रसीला बन चुका है। तो ये देखिए, कट करने के बाद मैंने आधा नींबू का रस इस तरह से निचोड़ लिया। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रस इसमें से निकल गया है। ये बिल्कुल सूख चुका था और अगर मैं इसको डायरेक्ट ही कट करके निकालती तो इसमें से इतना रस बिल्कुल भी नहीं निकलता, लेकिन इस ट्रिक से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नींबू का रस निकला है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। टिप यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे हाथों को लेकर। फ्रेंड्स किचन में काम करते वक्त हमारे हाथों में बहुत बार ड्राई आ जाती है, स्पेशली विंटर में, और नेल्स की साइड से हमारी स्किन निकलने लगती है। बहुत बार ऐसा होता है काफ़ी लोगों के साथ। अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करिए, कोई भी वैसलीन या कोई भी इस तरह की मॉइस्चराइज़र वाली क्रीम आप अपने नेल्स के ऊपर इस तरह से लगा सकते हैं। बहुत बार नेल्स के ऊपर से हमारी डेड स्किन निकलने लगती है जिसकी वजह से हमें बहुत दर्द होता है, पेन होता है। तो अगर आप नाइट के टाइम इस तरह नेल्स के ऊपर कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम को लगाकर इस तरह से रब कर लेंगे तो आपकी धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और अगर नेल्स के ऊपर से आपकी स्किन निकल रही हो जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो तो आप यहाँ पर बोरो प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो एंटीसेप्टिक होती है। तो नाइट में आपको नेल्स के ऊपर इस तरह से क्रीम को लगाना है तो मॉर्निंग में आप देखेंगे आपके नेल्स के ऊपर का पेन भी ख़त्म हो गया और आपके हाथ भी बहुत ही सॉफ्ट और नर्म बन गए हैं। तो आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह की छोटी छोटी टिप को यूज़ करने के बाद हम अपने
स्किन की भी केयर कर सकते हैं और अपने हाथों को सॉफ्ट मुलायम नर्म बना सकते हैं। टिप यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरह के जार को लेके। तो फ्रेंड्स ये जार आपके कोई से भी हो सकते हैं, कांच के हों या प्लास्टिक के हों। इस तरह के जो हमारे जैम के अचार की छोटी बॉटल आती हैं इनका यूज़ हम अपने किचन में भी कर सकते हैं, क्योंकि किचन में इनका बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। तो इनको हम जब अच्छे से वॉश भी कर लेते हैं तब भी पुरानी जो चीज़ इसमें रखी थी जैसे कि जैम या अचार, अगर इनकी स्मेल अभी भी इस जार के अंदर रह गई है तो इनकी स्मेल को तुरंत गायब करने की बहुत ही यूज़फुल टिप है। इस तरह की लौंग हम ले लेंगे, ये एक गर्म मसाला होता है। तो लौंग हमें फूल वाली ही लेनी है जिसके ऊपर फूल ज़रूर हो, केवल डंडी वाली लौंग हमें नहीं चाहिए। तो इस फूल वाली लौंग को हम रखेंगे इस चिमटे के ऊपर, क्योंकि फ्रेंड्स हमें इसको आग में गर्म करना है, जलाना है। तो अगर हम डायरेक्ट इसको आग में गर्म करेंगे तो ये गिर जाएंगी और हमारे पकड़ में भी नहीं आएंगी। तो हम क्या करेंगे, इस लौंग को इस तरह से चिमटे के ऊपर रख लेंगे। तो 4-5 लौंग आप ले लीजिए और जो फूल वाला हिस्सा है वो हमें बाहर की तरफ रखना है। अब इस चिमटे को हमें ऊपर की तरफ से अच्छे से दबा देना है, यानी कि सारी लौंगे इस तरह से दब जानी चाहिए, फूल वाले जो हिस्से हैं वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ और गैस को हम ऑन कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स लो फ्लेम पर मैंने गैस को ऑन कर लिया है और अब हम इस चिमटे को सीधा रखेंगे गैस के ऊपर। इस लौंग का जो फूल वाला हिस्सा है वहाँ से हमें इसको जलाना है, गर्म करना है। और जब ये अच्छे से जल जाएंगे इनमें एक धुआं बनने लगेगा, तुरंत हम इसको एक स्टील की थाली में रख लेंगे और इसके ऊपर हम अपना कोई भी जार, चाहे आपका प्लास्टिक का हो या कांच का हो, इस तरह से उल्टा करके रख दीजिए। यानी कि इस लौंग का जितना भी धुआं है वो इस जार के अंदर अच्छे से भर जाएगा, इससे आपके जार में जितनी भी स्मेल होगी वो तुरंत ही गायब हो जाएगी। फ्रेंड्स ये जो ट्रिक है ये आप दोनों तरह के जार में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्लास्टिक का हो या फिर कांच का हो। और अगर आपको लगे कि जार में धुआं कम हो गया तो एक लौंग को फिर से तुरंत जलाकर इस जार के नीचे रख दीजिए। तो लौंग को हमें पूरी तरह से भी नहीं जलाना है, जब उसमें से धुआं निकलने लगे तुरंत ही हम इसको इस जार के नीचे रख लेंगे। इससे क्या होगा कि आपके जार में एक अच्छा स्मोक बन जाएगा और जब आप इसको सीधा करेंगे तो स्मोक इस जार के अंदर ही रहेगा, फिर आप तुरंत ही इस जार का ढक्कन लगा लीजिए। तो इससे स्मोक अंदर कुछ देर तक रखने के बाद आप देखेंगे कि इसमें तुरंत ही सारी स्मेल चली गई है। आप चाहें तो जली हुई लौंग को भी इसके अंदर डाल सकते हैं और अच्छे से उसको हिला सकते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे इसमें जितनी भी स्मेल है पूरी एकदम से गायब हो जाएगी। अब आप इसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने जार को स्मेल फ्री कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक दोनों तरह के जार पे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्टील का या फिर केवल कांच का जार है तो उसको आप डायरेक्ट ही गैस चूल्हे के ऊपर भी रख कर स्मेल फ्री कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, इस तरह की 4-5 लौंग ले लीजिए और इस तरह से गैस बर्नर के ऊपर रख दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम लौंग को गैस बर्नर के ऊपर रख देंगे, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। तो अब हम गैस को ऑन कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इन सभी लौंग को जला देंगे। जैसे ही हम गैस ऑन करेंगे तो ये जलने लगेगी और इनका जो स्मोक है, धुआं है, वो ऊपर की तरफ उड़ने लगेगा। उस सेकेंड जब ये थोड़ी जल जाएंगी और तब हम गैस को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम करने के बाद अब हम इसके ऊपर जार को इस तरह से रख कर सेक लेंगे, यानी कि लौंग का जितना भी स्मोक है वो इस जार के अंदर चला जाएगा। हमें इसे एकदम गर्म चूल्हे के ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि कांच आपका गर्म जगह पर रखने पर चटक भी सकता है। हमें इसे थोड़ा सा गैस चूल्हे के ऊपर हाइट पर रखने के बाद इस तरह से घुमाते हुए रखना है और जब हम गैस को ऑफ कर देंगे उसके बाद हम इसको इस तरह से लौंग के ऊपर रख सकते हैं उल्टा करके। तो इससे इस लौंग का जितना भी स्मोक है वो इस जार के अंदर अंदर तक चला जाएगा और आपका जार स्मेल फ्री हो जाएगा। इससे भी आपकी जो स्मेल है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन इस ट्रिक को आप केवल कांच के या स्टील के बर्तन पर ही अप्लाई करें, ना कि प्लास्टिक के, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो गर्मी से तुरंत ही जल जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब आपका जो कांच का जार है वो भी पूरी तरह से स्मेल फ्री हो गया, अब आप इसको फिर से यूज़ में ला सकते हैं। तो आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इस यूज़फुल वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और साथ ही अपने शहर का नाम भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक ऐसे यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।